तो अभी ओली और फ्लफी की थोड़ी देर के लिए दोस्ती हुई थी और वो गाय कल यहाँ थी। थैंक यू। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो शाम का टाइम है और बज रहे हैं पूरे के पूरे चार, बज रहे हैं और सुबह से ऐसे ही पड़ी हुई हूँ। गर्मी इतनी हो रही है ना यार, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ, इतनी गर्मी हो रही है तो पंजाब में क्या हाल हो रहा होगा सोचो। भाई अभी मैं जा रही हूँ मुँह धोने, अभी ये सोच रहे होंगे कि सुबह से मुँह ही नहीं धोया ना, ऐसा गंदा सा मुँह हो जाता है ना, तो मैं मुँह धोने जा रही हूँ। फिर उसके बाद आपको पता ही हम शाम को कहाँ जाते हैं, तो आप फ्लफी से मिल लो एक बारी। फ्लफी सो रही है अभी, इसको भी हमने ठंडे ठंडे पानी से थोड़ा सा कूल कर दिया। तो आकृति बाहर है अभी, सिर्फ मैं, आकृति और फ्लफी है घर पे, क्योंकि मम्मी और तो गए हुए हैं भागवत सुनने। तो मैं ज़रा मुंह धो लेती हूँ। करने के बाद मेरा ऐसा मुंह हो गया, मतलब जो मैंने फेस वॉश लगाया मुझे सूट कर गया, गार्नियर का है। कोई प्रमोशन वो मोशन नहीं कर रही हूँ, बस ऐसे ही बता रही हूँ। अच्छा है, मुझ पर सूट कर गया, इससे थोड़ी सी गोरी हुई हूँ मैं। तो देख लो आप मेरी स्किन ऐसी है, मतलब ऐसी है, मुंह धोने के बाद ऐसी हो चुकी है। सो गाइस मैं तैयार हो चुकी हूँ और मैं बाज़ार जा रही हूँ, क्योंकि मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया था कि दरवाजे पे फ़ोन दे दिया कि मेरा 15 वाला रिचार्ज करवा दे, जो बूस्टर होता है ना जियो का, वो 15 रुपये थे मेरे पास, तो मैं करवाने जा रही हूँ उसका रिचार्ज। मेरे साथ फ्लफी भी है, फ्लफी को दिखाती हूँ देखो। तो मैं जा रही हूँ अभी, मिलते हैं आपको घर पे ही अभी, जब ग्राउंड जाएंगे तब, ठीक है। ओ आसमां मेरा, जमीन को मेरी यादें पूरे हम तेरे नाम पे, मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। कैसा था गाइस? तो गाइस फ्लफी नहीं, तो गाइस आकृति आ चुकी है वापस अपनी फ्रेंड के साथ घूम घाम के, अब ये मेरे साथ जा रही है ग्राउंड। तो और हाँ एक और बात बता दूँ आपको कि कल मैं व्लॉग बना रही थी और कल का व्लॉग मैंने इसलिए नहीं बनाया, कल का व्लॉग मैंने डाला ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे गाय गिरी हुई थी बेचारी, बहुत गंदी हालत में थी, उसका पेट ना बहुत ज़्यादा फूला हुआ था, बट उसके पेट में ना हवा भर गई थी गैस की वजह से, वो 4 दिन से वहीं पड़ी है और जिसकी गायें उन्होंने भी नहीं देखा उसको। वहाँ पे आर्मी वालों का क्वार्टर्स वगैरह है, वहाँ पे आर्मी वाले रहते हैं, उन्होंने उसको खड्डे में गिरी हुई थी वो, उसको चक्के लेके आए हैं और उसको दवाई वगैरह उन्होंने ही दी है, जिसकी गायें उन्होंने बिल्कुल भी नहीं देखा, वो बाद में आया लास्ट में जब मैंने फ़ोन किया था। तो आज देखने जा रहे हैं उस गाय की हालत की वो कैसी है, तो आपको अगर हो सकेगा तो मैं दिखाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि फिर बोलते हैं ना लोग कि क्या वीडियो बना रहे हैं ये वो सो करके। तो हो सकेगा तो आपको तो दिखाऊंगी गाइस, नहीं तो नहीं दिखाऊंगी, नहीं तो मैं आपको बता दूंगी कि वो कैसी है। और वो गाय कल यहाँ थी जहाँ फ्लफी सुसु कर रही है ना, सही में यहीं पर थी, पूरा ऐसे यहाँ पर दरी सी थी, यहाँ पर लिट्टी हुई थी बेचारी, वो अब गायब है। फिर उसके बाद वहाँ पर लेके गए थे, उसके बाद है ही नहीं वो यहाँ पर। तो गाइस उस गाय का कुछ पता नहीं है, ये बोल रहा है मर गया, उसको जला दिया, इसको कुछ पता नहीं है फिर भी बोल रहा है। जो यहाँ पे थे आर्मी वाले कल, अगर वो कोई यहाँ से आते हैं तो मैं उनसे पूछ के फिर आपको बताऊँगी कि क्या हुआ उस गाय का। लक्की को बोला कि ये इसकी मम्मी ने ना इसको 100 रुपये दिए हैं, तो क्या आइसक्रीम ला लेना हमारे लिए। मैंने तो सोचा था तू मजाक कर रहा, सच में ला रहा है, चल ले क्या, देखते लाता कि नहीं है, कहीं भाग ही ना जाइए हमारा पागल बना के। फाइनली आ गया लड़का, हमने सोचा था तू पागल बना रहा है। कौन सी लाया यार, मेरे को अच्छी नहीं लगती है, तो एक्सचेंज करा दूंगा। जा एक्सचेंज करके ला। यार लक्की बहन तो तेरे को ऐसी समझा था, जा एक्सचेंज करा के आ चौकोबार। सोचा था ये लेके नहीं आएगा, सच में ले आया यार। मुझे फड़िया फड़ी बाज, मतलब जैसे होता है ना जैसे बोलते हैं वो करते नहीं है, मुझे तो वो लगा था ये, चलो क्या पता व्लॉग के लिए कर रहा हो ये ऐसा। कौन सी है? थैंक यू। शक्ल तो दिखा। थैंक यू, थैंक यू। अब फ्लफी मेरा मुंह देखेगी,
इसको मेरे को लास्ट में देनी पड़ेगी थोड़ी सी। बड़ा ही सुहाना हो रखा है, बाल मेरे उड़ेंगे अभी देखना। उड़ हवा, जब वीडियो नहीं बना रही थी तब तो बहुत उड़ रहे थे मेरे बाल। पूरी मेरे बेइज्जती कर रहे हैं। तो गाइज इस एक लड़के से पता लगा है कि उसको गाय को हॉस्पिटल ले गए हैं गाड़ी में सुबह। अच्छी बात है, बेचारी ठीक हो जाएगी, ठीक ही हो जाएगी। अब तो हॉस्पिटल लेके गए हैं तो मैं अब दिखा भी नहीं सकती, अगर होती तो दिखाती। तो अभी ओली और फ्लफी की थोड़ी देर के लिए दोस्ती हुई थी पर अब नहीं है, अभी फ्लफी दूर है। सावधान मेरी फ्लफी आए, लव यू। ये नहीं, ये गुरु है, ये सारे चेले हैं, ये भी नहीं है, ये गुरुजी, ये जो पीछे छुप रहा है ये भी नहीं है, ये गुरुजी है, हम बेले हैं, हम बेले हैं, हम देखने आते हैं बस। तो अब आकृति गिटार सीखने जा रही है। फ्लफी तेरे को चैन नहीं आ रही है, गाइस ने देख लिया यार, मेरे गाइस ने देख लिया, ये ऐसे नहीं बजेगा। चलो कैसे जाएगा राइट ही है, मन्नू सिखा रहा है, रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर। सो गाइस हम ग्राउंड से आ चुके थे और आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।